एसुस ऑफ F15 में RDR2 खेलने जा रहे हैं, वैलोरेंट भी भाई मैं खेलने जा रहा हूँ, और लास्ट में GTA 5 भी खेलेंगे भाई। ये RTX 2050 वाला वेरिएंट है, i5 11 जेन वाला, बहुत ही मजा आने वाला गेम प्ले में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए भाई। RDR2 हमने शुरू कर दी और मुक्के पड़ने इसका शुरू हो गया। 77 के अराउंड भाई FPS आ रहे हैं और 80 डिग्रीज के अराउंड टेम्परेचर है, तो भाई MS धोनी की तरह कूल लैपटॉप भी है मेरा। 60 के अराउंड FPS है, आप देख सकते हो, ठीक है। RDR2 में भाई आगे बढ़ेंगे, इसके बाद भाई हम वैलोरेंट भी खेलने वाले हैं और GTA 5 भी, एंड तक बने रहो। 59 के अराउंड FPS है, मैं अपने भाई घोड़े को बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक है। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ये देखो भाई पूरा ठंड का माहौल बन चुका है। अभी भी भाई 82 डिग्रीज के अराउंड टेम्परेचर है, ठीक है, और साथ में FPS आप देखना 61 के अराउंड FPS है, तो FPS मेंटेन है 60 के अराउंड, वो 58-57 से नीचे नहीं गए हैं FPS। ये देखो 49 चले गए भाई FPS, ठीक है। ये आप सेटिंग्स देख लो भाई, मैंने सेटिंग में कोई हेरा फेरी नहीं करी है, हेरा फेरी भी आने वाली है। वैसे किसको किसको हेरा फेरी पसंद है वो मेरे को बताना, ठीक है। सारी सेटिंग्स देख लो, हाई अल्ट्रा सब कुछ भाई मैंने कर दिया, जो जो नहीं थी भाई अब वो भी कर दी है, ठीक है। कन्फर्म करेंगे और भाई गेम की तरफ हम बढ़ने वाले हैं अब, कि भाई गेम में कितना मज़ा आता है, ठीक है। 72-73 के अराउंड FPS आ रहे हैं, तो भाई 73 मैक्स FPS गए थे अभी तक, 67 के अराउंड FPS आ रहे हैं, टेम्परेचर भाई 83 है, ठीक है, और ठंड का पूरा माहौल बना हुआ है। ये भाई इसको गेम ओवर भाई, इसकी मैंने गेम ओवर कर दी है, ठीक है। RDR2 खेलने में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है भाई, और RDR2 मैंने खरीदी हुई है, आपको क्लियर बता दूँ, स्टीम से। किसी को लेनी हो तो ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो गिव अवे कर देंगे भाई थोड़े टाइम में। GTA 5 का तो पक्का करूँगा, ठीक है। 75 के अराउंड FPS आ रहे हैं, ठीक है। 81 डिग्रीज टेम्परेचर है इसका, आप देखो ज़रा, ये लो भाई गेम ओवर मैं कर चुका हूँ इनका, ये गेम ओवर मैं कर चुका हूँ और हम भाई पहुँच चुके हैं 42 के अराउंड FPS यहाँ पे आ रहे हैं। FPS यहाँ पे कम हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और मैं बहुत देर से भाई CPU टेम्परेचर 93 गया था, आपने नोटिस करा, मतलब मैक्स भाई 93 गया, पर वो ये 80 के अराउंड मेंटेन था टेम्परेचर, 80-85 भाई। अब हमने भाई शूटिंग गेम्स शुरू कर दिए, वैलोरेंट शुरू कर दिया, इसमें तो भाई 300 FPS पार हो रहे हैं, ठीक है, तो अब की बार 300 FPS पार, ठीक है, आराम से हो रहे हैं। 86 के अराउंड टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर थोड़े से ज़्यादा है RDR2 से एज़ कम्पेयर टू, पर भाई ये तो बहुत छोटी गेम है, 80 तक तो चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये लो गेम प्ले एंजॉय करो आप आराम से, और भाई वैलोरेंट में आपको क्लियर बताना चाहूँगा, बहुत ही हल्की फुल्की गेम है, ठीक है, बिल्कुल विराट कोहली की फिटनेस जैसे बहुत ही तकड़ी है, वैसी भाई लैपटॉप की गेमिंग कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे को, इस 50,000 रेंज के हिसाब से, उसका ध्यान रखना। ये भाई शूटिंग हमने कर दी और 200 के अराउंड FPS हो गए हैं, तो अब मेन गेम प्ले की तरफ बढ़ोगे तो भाई 270 के अराउंड FPS आपके आएंगे वैलोरेंट में, और 80 के अराउंड टेम्परेचर्स है, देखो 305 भी गए अभी, तो 300 के अराउंड आ जाएंगे FPS, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कितने FPS लोगे भाई, 300 तो बहुत ज़्यादा ही है, अब तो IPL में स्कोर भी 277 बन चुका है हैदराबाद का, पैट कमिंस भाई, अब तो यहाँ पे FPS भी उतरे ही जा रहे हैं। अब 118 के अराउंड FPS आ रहे हैं, मेनली टेम्परेचर्स पे ध्यान दो, 80 के अराउंड सिर्फ टेम्परेचर्स है, तो भाई MS धोनी की तरह ठंडा कूल भाई ये लैपटॉप है, मेनली कितनी वॉट ड्रॉ कर रहा है भाई GPU से, 30-35 के अराउंड, पर भाई मेनली टेम्परेचर्स और FPS भाई बहुत कंट्रोल्ड है। FPS ने तो भाई कमाल कर दिया, 1080p में भाई 120 FPS आना, RTX 2050 भाई इस पे ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, i5 11 जन का प्रोसेसर है, साथ में भाई इसमें मैंने 16GB रैम करा ली है, 8GB से भाई हम अपग्रेड करते रहते हैं, आपको पता ही है, बढ़िया अपग्रेड करना। मेरे को कार पसंद नहीं आ रही थी व्हाइट वाली, तो हम दूसरी कार ढूंढने जा रहे हैं, कौन सी कार मेरे को पसंद है, ये ब्राउन वाली बहुत पसंद आ रही है भाई मेरे को कार। इसमें अब FPS नोटिस करो, 113 के अराउंड FPS आ रहे हैं, तो भाई नाइट में थोड़े ज्यादा FPS आ रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 110 के अराउंड FPS है, 83 बाई टेम्परेचर है। हीटिंग इशू भाई मेरे को बिल्कुल भी फेस नहीं हुआ, मतलब विराट कोहली के एग्रेशन जो है ना, जो भाई गर्म हो जाता है बंदा, वो भाई यहाँ पे फील नहीं हुआ, पर वैसे गेम बहुत बेस्ट चल रही है, बिल्कुल भाई विराट कोहली की तरह और धोनी की तरह आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ट्रक चलाने का मेरा बहुत मन था भाई, थोड़ा घूमते हैं ट्रक लेके, और 115 के अराउंड FPS आ रहे हैं, 82 के अराउंड टेम्परेचर था, उस पर ध्यान दो। ये भाई सेटिंग में मैंने आपको दिखा दिया पूरी, भाई मैंने 1080p सेटिंग करी हुई है, ऑनलाइन मोड में हम शिफ्ट हो गए हैं, ऑनलाइन मोड में थोड़े से FPS ड्रॉप है, कितना 10-15 FPS का ड्रॉप है, आप बात सकते हो GTA 5 में जो मजा आ रहा है, पर भाई आप देखो जब हम बाहर चले गए ना ऑनलाइन में FPS डाउन हो गए, 75-80 के अराउंड FPS आ रहे हैं, और उतने भाई सेम टेम्परेचर भी इसका लैपटॉप का, उतनी हीटिंग नहीं हो रही है, उतनी क्या बिल्कुल भी हीटिंग नहीं हो रही है, तो भाई आप आराम से एक माजा की बॉटल लेके अपने
अपना जूस वूस पी के गेम इंजॉय कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 80 के अराउंड एफपीएस 50,000 रुपीज के हिसाब से आरडीआर 2 ने बढ़िया वर्क करा। वैलोरेंट अच्छी चली भाई, जीटीए 5 भी अच्छी चली भाई, हीटिंग मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुई, थोड़ी सी बस कीबोर्ड के अराउंड हीटिंग थी। 50,000 रुपीज के हिसाब से ASUS F15 भाई बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है। इसकी अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू आपको देखना है तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी बहुत ही बढ़िया नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।